Hey guys, good morning to all of you. तो आज हम जानते हैं नैनो यूरिया के बारे में. नैनो यूरिया जो कि लिक्विड यूरिया के नाम से भी जाना जाता है. नैनो यूरिया जो है एग्जिस्टेंस में आया था लास्ट ईयर यानी कि 2021 में. इफको जो कि एक इंडिया की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने इसको डेवलप किया था. गुजरात में इसको डेवलप किया गया था. और नैनो यूरिया या फिर लिक्विड यूरिया जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो डियर, क्या होता था, जो कन्वेंशन यूरिया के जो आपकी ग्रेन्यूल्स थे उसकी वजह से क्या होता था, एक तो उसकी यूज एफिशिएंसी बहुत कम थी. 30-40% ही कन्वेंशनल यूरिया की यूज एफिशिएंसी थी, लेकिन नैनो यूरिया की यूज एफिशिएंसी 80% है. और इससे ट्रायल बेसिस पर देखा गया था कि यील्ड में भी 8-10% इंक्रीमेंट देखा गया है. तो इससे क्या होगा कि फार्मर की इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगी और आपका ओवरऑल जो इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी. तो एक ग्रेट इनिशिएटिव है, इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है. और हम कहीं ना कहीं यूरिया के लिए बाहर की कंट्री इस पे डिपेंडेंट थे, हमें इंपोर्ट करवाते थे. लेकिन अभी आपका कह सकते हो कि इसका यूज एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा. एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन हो रहा था, जैसे कि गवर्नमेंट लगातार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रही है, तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो मोटो है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा, है ना, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. बाकी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है. टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए मेन चैनल को, और उसमें आपको इसी प्रकार की वीडियोस और नए-नए कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते रहेंगे. बाकी हमारे नए बैच को ज्वाइन करना चाहते जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय हिंद, जय भारत.